तो कैसे हैं आप सभी? आरसीबी विमेंस वर्सेस दिल्ली विमेंस के बीच में कल मैच खेला जाएगा, विमेंस प्रीमियर लीग का 7th मैच। तो कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा, मैंने जो बताया था एकदम बिल्कुल वैसे ही हुआ, कुछ कुछ एक दो पॉइंट छोड़ के। जैसे कल मैंने एक क्लियरली बोला था कि भाई यूपी वॉरियर का जीतने का चांस 99% है। मैंने लिख के भी आप लोगों को दिया था बोर्ड में कि यूपी वॉरियर्स 99% जीत सकती है ये मैच, और बहुत ही अच्छा तरीके से ये मैच जाने वाला है। देखो, मेरा एक प्रेडिक्शन गलत जा रहा है, वो सोफिया क्लिस्टोन के बारे में, क्योंकि वो बहुत अच्छी बॉलर है, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 है, आप जाके गूगल करके भी देख लो। बहुत अच्छी बॉलर है, हमेशा कितनी भी बुरी सिचुएशन है वो एक विकेट जरूर ले लेती है, लेकिन उसको ज़्यादा विकेट इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि पता उसके जो टीम है ना, यूपी वॉरियर का टीम है ना, इस सीजन का सबसे ज़्यादा कैच छोड़ने वाली टीम बन गई है। सोच सकते हो 6-7 कैच ड्रॉप किया है। अब बताओ, कोई मेन बॉलर उसके स्टंपिंग आप मिस कर देते हो, उनके कैच ड्रॉप कर देते हो, आप क्या ही कर सकते हो। तो आज भी बहुत ही शानदार प्रेडिक्शन मिलने वाला है, वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, मजा आएगा। क्योंकि भाई विमेंस क्रिकेट में ग्रैंड लीग जितना आसान है, कल पता है आपका भाई का ग्रैंड लीग आ जाता, मेरा रैंक पता कितना चल रहा था, 4 रैंक, बट वही है केपी नावगिरे को मैंने नहीं लिया था, उसने भाई बहुत ही लंबा छक्का चौका मार के सब बहुत जल्दी फास्टेस्ट 50 रन बनाई थी, तो उस प्लेयर को मैं अपनी टीम में नहीं रख पाया था। बाकी सारे प्लेयर मेरे टीम में थे, एकदम ड्रीम टीम में अगर आप देखोगे ना, मोस्टली मेरे सारे प्लेयर थे, कैप्टन भी सही थे, वाइस कप्तान भी सही था, बस वही केपी नावगिरे नहीं थे। तो आज नहीं चूकूंगा, आज तो ग्रैंड लीग जीत के लाने वाला हूँ मैं, भाई फीलिंग तो आ रहा है कि ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। वीडियो में बताऊंगा प्रेडिक्शन, आप भी जीत सकते हो, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि विमेंस मैचेस में मैं ग्रैंड लीग खेल रहा हूँ। मैं छोड़ दिया था 6-7 महीने से ग्रैंड लीग खेलना, स्मॉल लीग पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि यार विमेंस मैच चल रहा है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में अगर मैं ग्रैंड लीग नहीं जीत पाया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ग्रैंड लीग जीत सकते हो, वीडियो को पूरा देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किस प्लेयर पर रिस्क ले सकते हो। तो जैसे आईवोंग के बारे में क्लियरली बोला था कि अगर आईवोंग खेलती है तो वो पक्का 2 विकेट लेके जाएगी, और आईवोंग ने विकेट लेके गई। राजश्री गायकवाड़ को पक्का विकेट मिलेगी, और राजश्री गायकवाड़ को भी विकेट मिला। सोफिया क्लिस्टोन को मैंने बोला था 2 से प्लस विकेट मिलेगा, लेकिन जबकि एक ही विकेट मिला, क्योंकि भाई उसके बहुत सारे कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं यार, क्या ही बोले, इतना अच्छी बॉलर हो के भी। और दूसरी बात क्या है पता है, जब टीम फंसती है ना तो सोफिया क्लिस्टोन को ला के खड़ा कर देती है कि तुम आउट करो, वो कैसे आउट कर सकती है यार उसको, मतलब यार अदर बॉलर भी अच्छे करे या उनके फील्डर अच्छा करेगा तब तो उसको विकेट मिलेगा ना, और डेथ में वो बॉलिंग करती है, उसके 2 ओवर डेथ में रखो तब वो और विकेट लेके जा पाएगी। लेकिन वही बात है कि जो मेन बॉलर है उसको अकेले बोलेगा पूरा टीम को जिताने के लिए, एक नहीं बोलता, अकेला चना भाड़ नहीं बोल सकता, उस तरह एक प्लेयर क्या कर सकती है। कल देखो केपी नावगिरे भी अच्छा खेली, एलिसा हेली भी अच्छा खेली, तो टीम जीत गई। तो पूरा जब टीम अच्छा करेगी तभी जीत पाएगी। मैंने क्लियरली आप लोगों को बताया था कि पूरा टीम 2 ही प्लेयर पे ज़्यादा टिका हुआ है यूपी वॉरियर का, एलिसा हेली और क्लिस्टोन पे, ये 2 पे ज़्यादा टिका हुआ। उसी तरह आज दिल्ली और मुंबई की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सॉरी दिल्ली और आरसीबी का जो मैच है उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं कि किस प्लेयर पे आज हम लोग चांस ले सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, ठीक है, वहाँ जैसे टैप करोगे, क्लिक करोगे, डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, ये मैच खेला जाएगा 7:30 पे, मैच नंबर 7। बात करते हैं तो सेम वही उसी ग्राउंड पे मैच होगा, सेम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, बेंगलुरु में ही मैच हो रहा है। पिच तो आप लोग काफ़ी समझ चुके होंगे पिच कैसा है, तो स्पिनर्स को यहाँ पे अच्छे खासे हेल्प मिलते हैं, और जो क्वालिटी पेसर्स है उसको भी हेल्प मिलता है, नो डाउट। पेसर्स ऐसा नहीं कि पेसर्स को हेल्प नहीं मिलता, फास्ट बॉलर को हेल्प मिलता है, लेकिन जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, जो कि जिनके परफॉर्मेंस अच्छा है, जो इंटरनेशनल में भी खेल चुके हैं या डोमेस्टिक में अच्छे खासे परफॉर्मेंस कर चुके हैं, उसको विकेट मिलता है। और बैट्समैन भी यहाँ पे अच्छे खासे रन बनाते हैं, बैट्समैन को भी मदद मिलता है। आपने देखा होगा पावर प्ले में कल अच्छे खासे बैटिंग भी देखने को मिला था, तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। टोटल अगर यहाँ पे देखोगे 13 मैचेस खेला गया, जिसमें कि सेकंड बैटिंग करने वाला 8 बार जीती है, और यहाँ पे जो एवरेज रन बनता है वो है 150 से लेके 170, ठीक है, इसके बीच में आसपास रन बनते हुए दिखाई देता है, जो कि अगर आप ग्राफ देखोगे तो 150 से नीचे यहाँ पे 9 बार बना है, मतलब 150 के ही आसपास रन बनते हुए दिखाई देता है। तो 4 मैच का रिकॉर्ड, अब ये रिकॉर्ड अभी फिलहाल काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सेम ही ग्राउंड पे मैच हो रहा है, तो आप इसको इस मतलब इसको आप छोड़ दो। बट एक चीज देखो, स्पिनर को हेल्प मिलते रहता है बार बार, यहाँ पे स्पिनर को बहुत हेल्प मिलता है। अगर देखोगे
बेंगलुरु वर्सेस दिल्ली कैपिटल, मतलब आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल का जो मैच हुआ था, उसमें ये मैच हुआ था 13 मार्च 2023 को। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, डिवाइन अच्छा खेली थी, पेरी और रिजागोस अच्छा खेली थी, जैसे कैप से अच्छा खेली थी, जमीमा रोंग्रीस अच्छा खेले थे, मेजिना कैप आज जोनसन, शिखा पांडे ने 3 विकेट, जैसे आशा शोभना ने 2। उसके बाद बात करते हैं मेघालेनी शेफाली वर्मा, और यहाँ पे 223 रन की पारी खेली थी दिल्ली कैपिटल, बहुत अच्छा पारी खेली थी। बेंगलुरु ने 163 रन ही बना पाए थे, जिसमें कि कंट्रीब्यूट जो होता वो हैदर नाइट, जो अभी फिलहाल नहीं है, एलिसा पेरी, मेघना स्काउट, इधर से मेजिना कैप और मेगा लेनिंग 72 रन की पारी खेली थी। 5 विकेट लिया था तारा नॉरिस, जो है नहीं, एलिसा कैप ने 2 विकेट। देखो बार बार बोल रहा हूँ, लीग 11 पे लीडर बोर्ड चल रहा है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया कर लो भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, खेलो। यहाँ पे आप 10 और 1 वाले भी टीम खेल सकते हो और 4 और 7 वाले भी खेल सकते हो, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आईफोन और बुलेट जीतने का मौका है, ऊपर से 10,000 का फ्री गिवे भी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना। और अभी लीडर बोर्ड इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है, जिसमें कि फर्स्ट 5 50,000 है। बाकी अगर बात करते हैं प्लेइंग 11 में, तो आप देखो आपके सामने प्लेइंग 11 है, 1-2 शायद चेंजेस अगर देखने को मिलेगा तो आपको बता दूं क्या क्या हो सकता है चेंजेस। देखो अगर पहले आरसीबी बॉलिंग करती है तो श्रृंखला पाटिल फिलहाल अभी कुछ कर नहीं पा रही है, पिछले सीजन में बहुत अच्छी की थी, लेकिन अगर आज पहले बैटिंग करती है आरसीबी तो श्रृंखला पाटिल को शायद विकेट मिलने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा है, आज भी मिल सकती है विकेट। आशा शोभना को पिछले मैच में विकेट नहीं मिली थी, लेकिन आज मिलेगी आशा शोभना को विकेट, क्योंकि पिछले मैच में भी अच्छे बॉलिंग की थी, इकोनॉमिक बहुत शानदार थी, तो आज आशा शोभना विकेट लेके जा सकते हैं। यहाँ पे 2 मैं ऐसे प्लेयर को बताया हूँ जिनके जो लोग टीम में पिक नहीं करेगा, ठीक है। इधर से बात करते हैं मेगा लेनिंग अच्छा खेल सकते हैं, शेफाली वर्मा पिछले मैच में इसलिए अच्छा खेली थी क्योंकि रन बहुत कम बने थे, और अगर आप देखोगे तो दिल्ली कैपिटल को चेज करना आसान था, चेज करना बहुत ही आसान था, तो इसलिए शेफाली वर्मा अच्छा खेले थे। जमा रोंग्रिस, फिर एलिसा कैप से है, मेजिना कैप, तानिया भाटिया, सथरलैंड, शिखा पांडे, मीनू मानी और राधा यादव, तो राधा यादव यहाँ पे एक अच्छे रोल निभा सकते हैं, सथरलैंड डिफरेंशियल पिक रहने वाला आज के मैच। चलिए स्टैट्स में बात करते हैं, तो हमारे टीम में कौन कौन से प्लेयर रहने वाली है। देखो स्मृति मंदना की बात करते हैं तो बेटर परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं, पिछले मैच में 43 रन की पारी खेली थी, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, रख लेना टीम में, फर्स्ट बैटिंग में अच्छा करेगी हमेशा, ठीक है। सेकंड बैटिंग में थोड़ी सी इसकी रोल थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अगर रन कम बनता है तो फिर उस केस में आपका प्रेडिक्शन काम नहीं करता है। देखो जो लोग ना रियली में फंटेसी के बारे में जानते हैं, जो खेलते हैं ना, उनको एक्सपीरियंस है, उनको पता होगा कि भाई अगर सामने वाले 100 रन या 120 रन बनाई है तो भाई कितनी भी कमजोर बैट्समैन है वो आराम से खेलती है यार, उसको टेंशन नहीं है कि हमें 170 रन को चेस करना है, उस केस में आपके प्रेडिक्शन काम नहीं आते हैं। अगर आप बोलोगे कि मंदना सेकेंड इनिंग में फ्लॉप हो जाएगी तो नहीं होगी फ्लॉप, हो तो इस चीज को ध्यान दो। हमें काफी कमेंट देखने को मिलता है कि कुमार भाई आपने बोला था कि शेफाली वर्मा नहीं चलेगी, चल गया, जमीमा रोंग्रिस को रखना था, बिल्कुल मैंने भी रखा था यार, जब सामने वाली टीम ने रन ही नहीं ज्यादा बना पाया तो आप क्या कर सकते हो यार, उसमें उस केस में कुछ नहीं कर सकते। तो स्मृति मंदना मैंने बता दिया आपको। दूसरा बात है सोफिया डिवाइन, आज इंपॉर्टेंट रहेगी, आज ले लेना, कैप्टन भी बना सकते हो, पिछले मैच में भले 6 रन बनाए थे 0 विकेट, लेकिन अच्छे परफॉर्मेंस करेगी, बहुत ही बेटर प्लेयर है, ठीक है। और कल देख लिया होगा एलिसा हेली, जो कि मैक्स बहुत कम लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया था, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस की। मेघना की बात करते हैं, वही कहानी है, 36 रन से बनाए क्योंकि सामने वाले ज़्यादा डिफेंड ही नहीं कर पाया, करना था रन कम बना था तो भाई बस प्रेशर नहीं था, लेकिन आज के मैच में मेघना को मैं अपनी टीम में तब रखूंगा जब फर्स्ट बैटिंग करेगा, सेकंड बैटिंग में मुझे लग रहा है कि फ्लॉप रहेगा, ठीक है, मैं आपको पहले बता दिया। एलिसा पेरी की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगी, 49 के एवरेज रिकॉर्ड है और आज विकेट से भी बॉलिंग से भी विकेट लेते हुए दिखाई देगी, तो आज ग्रैंड लीग के लिए डिफेंशियल कैप्टन एलिसा पेरी हो सकती है। रिचा घोष पहले बैटिंग में बहुत अच्छे करने वाली है, और ना भी अगर आपको बता रहा हूँ पिछले मैच में बैटिंग नहीं भी आ पाया था फिर भी पता लगभग नहीं तो ये 34 से लेके 40-50 पॉइंट देखे गई थी, कलर चेंज करना होगा, कम से कम कितना 34 या 36 पॉइंट देखे गई थी, क्योंकि कैच स्टंपिंग बहुत खतरनाक करती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सोफिया मॉलिनेक्स, पिछले मैच में 3 विकेट लेके गई थी, और अभी तो लेफ्टार्म स्पिनर का तो बहुत बोलबाला है, लेफ्ट आर्म स्पिनर को बिल्कुल ड्रॉप मत करना, इंपॉर्टेंट रहती है। वरहम की बात करते हैं, जो कि राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, 1 मैच में 22 रन और पिछले मैच में 1 विकेट, वही इसको ज्यादा विकेट मिलता नहीं है। श्रृंखला पाटिल फर्स्ट इनिंग में कुछ नहीं कर पाएगी, सेकेंड इनिंग में इसको विकेट मिलेगा,
लेकिन वैसे भी अभी चल नहीं पा रही है श्रेयंका पाटिल, क्योंकि अगर एक ओवर में देखो जो खराब बॉलर है ना, मतलब जिनका फॉर्म अभी अच्छा नहीं है, वो अगर एक ओवर में 12 रन दे देती है ना, तो उसको फिर बॉलिंग नहीं मिलता है। यही कहानी है खास करके वीमेंस मैचेस में। और सिमरन दिल बहादुर की बात करते हैं, इसका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है क्योंकि 7 मैच में सिर्फ 1 विकेट लिया है। रेणुका सिंह ठाकुर की बात करते हैं तो दिल्ली के अगेंस्ट में ये हमेशा विकेट लेस रही है, और पिछले मैच में भी अगर आपने देखा होगा रेणुका सिंह ठाकुर को दूसरी जो विकेट मिली थी ना, वो पता है किसका सबसे बड़ा रोल था, वो था किसका रोल था, ऋचा घोष का रोल था, रेणुका सिंह ठाकुर की रोल नहीं थी। आप लोग अगर पूरा वीडियो लाइव देखते होंगे ना, आप लोगों को पता होगा रेणुका सिंह ठाकुर का पहले विकेट में बहुत खतरनाक रोल था, दूसरी विकेट में पता स्टंपिंग बहुत अच्छी तरीके से की, बहुत दूर तक, मतलब दूसरा अगर कोई होता शायद स्टंपिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होता, तो फिर यहाँ पे विकेट मिला। लेकिन दिल्ली के अगेंस्ट में अगर आप देखोगे इसका रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं, बट अगर पहले बॉलिंग करें तो आप ले लेना, सेकंड बॉलिंग में थोड़ा सा देख लेना। आशा शोभना को विकेट मिल सकती है, इस वेन्यू में 2 मैच में 5 विकेट लेके गई है। पिछले मैच में भले विकेट नहीं ले पाई थी, लेकिन उसके पहले 5 विकेट लिया है, और यही हेड टू हेड में विकेट इसने खतरनाक लिया है, क्योंकि देखो 2 मैच में 2 विकेट लिया है दिल्ली के अगेंस्ट में, अच्छा रिकॉर्ड है। ठीक है, तो हमारे टीम में कौन कौन, आशा शोभना रहेगी, रेणुका सिंह ठाकुर को मैं कंडीशनल तौर पर रखूंगा, अगर मतलब फर्स्ट बॉलिंग करेगी तो रख लूंगा, सेकंड बॉलिंग में शायद मैं ड्रॉप कर दूँ। ऋचा घोष इंपॉर्टेंट है, वरेहम इंपॉर्टेंट है, मॉलिनेक्स, श्रेयंका पाटिल थोड़ा सा डिफेंसल पिक रिस्की तौर पे रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट ड्रॉप ही सोचो, स्मृति मंदना रहेगी और एलिसा पेरिया डिवाइन रहेगी। ठीक है, बाकी कैट क्रॉस अगर खेलती है तो रिकॉर्ड अच्छा है, बाकी इंद्रानी रॉय और श्रद्धा का नहीं है, और इसका भी नहीं देखोगे। एंडे क्लर्क खेलेगी तो इंपॉर्टेंट रहेगी, का साथ की बात करते हैं उतनी अच्छी नहीं है। एकता बिष्ट की बात करते हैं तो इंटरनेशनल में बॉलिंग करती है, लव ठीक है। दिल्ली कैपिटल की तरफ से बात करते हैं तो अब दिल्ली कैपिटल की तरफ चलते हैं। दिल्ली कैपिटल की तरफ से मेघालय इनिंग इंपॉर्टेंट है भाई, टीम के कैप्टन है और भाई क्या खेलती है, इसको तो ड्रॉप ही नहीं कर सकते भले ये 0 पे फ्लॉप क्यों ना हो जाए। 43 का एवरेज है, रिकॉर्ड अच्छा है, बहुत ही अच्छा रेट। शेफाली वर्मा के बारे में मैंने बताई दिया, लास्ट में 64 रन की पारी खेली थी, लेकिन आप एक चीज आपको बता दूं, शेफाली वर्मा का पिछले मैच में बहुत इजी कैच ड्रॉप हुआ था, बहुत कैच बहुत ड्रॉप हो रहा है यार विमेंस मैचेस में। तो वो पीएसएल में तो चलो मुझे फिक्सिंग लगता है, बट विमेंस मैचेस में क्या होता है कि मुझे लग रहा है कि प्लेयर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कहीं ना कहीं विमेंस मैचेस का कोई कोई प्लेयर का कॉन्फिडेंस बहुत लो देखने को मिलता है। तो उस केस में शेफाली वर्मा का जो इजी कैच ड्रॉप हुआ था ना, वो बता दूं कैसे, एकदम ऐसे इजी कैच ड्रॉप हुआ था, एकदम ऐसे हाथ से ड्रॉप हो गए थे, ये नहीं कि इधर से लेना पड़ा या ड्रॉप मतलब जंप करना पड़ा, ड्राइव मारना पड़ा, ऐसा नहीं, एकदम इजी कैच ड्रॉप हुआ था। बट क्या ही कर सकते हैं, हो गया कैच, मैं बता दिया ड्रॉप हुआ था। तो उस केस में आप शेफाली वर्मा पे जीएल में रिस्क ले सकते हो आज के मैच में, क्योंकि दोनों टीम स्ट्रांग है। फिर जमीमा रोंग्रिस की बात करते हैं, पिछले मैच में 4 रन बना पाई थी, लेकिन बहुत ही टेक्निकल बैट्समैन है, आप अच्छा होगा ये, इसको लोग भले पिक नहीं करेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर पहले बैटिंग करे दिल्ली कैपिटल तो शेफाली वर्मा से ज़्यादा पॉइंट आज आपको जमीमा रोंग्रिस दे सकती है। बाकी एलिसा कैप्सी के बारे में बात करते हैं तो पिछले मैच में बॉलिंग नहीं मिला था, कई मैचों में बॉलिंग नहीं मिलते हैं, कई मैचों में बॉलिंग मिल जाते हैं, क्योंकि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, सामने में अगर लेफ्टी ज़्यादा होगा तो बॉलिंग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेजिना कैप पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 3 ओवर में सिर्फ 3 रन दी थी और 3 विकेट, लास्ट में भले थोड़ा सा रन जाके दे दिया, भाई बॉलिंग तो बहुत ही शानदार की थी भाई मेजिना कैप ने, 3 विकेट लिया था, जो कि राइट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर है और 35 का एवरेज है इस वेन्यू, आरसीबी के अगेंस्ट में इस वेन्यू पे 21 का एवरेज है। ठीक है, तो ये भी कैप्टन के लिए अच्छा भूमिका निभा सकती है। तानिया भाटिया की बात करते हैं, इसका बैटिंग बहुत नीचे है। अनवल सदरलैंड की बात करते हैं, जो कि राइट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर है, विकेट इसका ज़्यादा उम्मीद मत रखना क्योंकि पेसर्स को उतने हेल्प मिलते नहीं है, पार्ट टाइम बॉलर है। अनुराधा रेड्डी को पिछले मैच में 1 विकेट मिला था, 2 मैच में 3 विकेट ले चुका है, लेकिन आपको बता दूं अनुराधा रेड्डी सेकेंड इनिंग में विकेट शायद ना ले, फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट लेके जाएगी। शिखा पांडे की बात करते हैं, पिछले मैच में शिखा पांडे को अगर आप देखोगे 0 विकेट, लेकिन 2 मैच में 4 विकेट लिया, आरसीबी के अगेंस्ट में रिकॉर्ड बढ़िया है और इसलिए रखना चाहिए इसको, लेकिन राधा यादव उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैंने पिछले मैच में शिखा पांडे को ड्रॉप करके राधा यादव को रखा था, जो मुझे ज़्यादा फायदा मिला था, राधा यादव ने 4 विकेट लिया था। मेरा टीम हर दिन बेटर होता है, हर दिन जाके टेलीग्राम पे देख लो, हर दिन टीम बेटर होता है, बस मेरा पता एक पनौती है, कोई कैप्टन जो है ना, मेरे कैप्टन से कोई दूसरा कैप्टन ज़्यादा पॉइंट दे देता, बस ये पनौती है। तो
टीम अगर आपको देखना है जाकर टेलीग्राम पे जाकर देखना, आपको हर दिन का टीम मस्त मिलेगा। फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, क्लिक करके जरूर हो जाए। मीनू मानी जो कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, एक मैच में विकेट लेस है, इस वेन्यू पे दो मैच में विकेट लेस है, तो किसी के पास होगा भी नहीं, ड्रॉप ही कर देना बेटर है। अश्विनी कुमारी, लौरा हारिस और अपर्णा मंडल में से लौरा हारिस का रिकॉर्ड अच्छा है। पूनम यादव एक्सपीरियंस प्लेयर है, इंटरनेशनल में खेल चुकी है, अगर खेलेगी तो इंपॉर्टेंट होगी। साधु जेस जोनसन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, दो मैच में 29, ठीक है 29 का एवरेज है। बात करते हैं प्लेयर बैटल, प्लेयर बैटल में अगर आप देखोगे स्मृति मंदाना को जेस जोनसन ने 4 बार, मिजिना का आपने 4 बार आउट किया है, सोफिया डिवाइन को जोनसन ने 8 बार आउट किया है, उसके बाद एलिसा पेरी को जेस जोनसन ने 7 बार, 4 बार सीखा पांडे ने आउट किया है। वहीं शेफाली वर्मा की बात करते हैं, शेफाली वर्मा को एलिसा पेरी ने 4 बार और डिवाइन ने आउट किया है मेगा लेनिंग को 3 बार, ठीक है मेगा लेनिंग को डिवाइन ने 3 बार आउट किया है। फैंटेसी टीम बनाते हैं तो देखो आप एक बार ये टीम आप शायद 7 और 4 वाले भी कॉम्बिनेशन में खेल सकते हो। ऋचा घोष मेरे विकेट कीपिंग सेक्शन में, अरे यार भाई ऋचा घोष हमारे विकेट कीपिंग सेक्शन में है, जो कि भाई विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देखे जाते हैं, बैटिंग तो बहुत ही शानदार करती है, टेक्निकल बैट्समैन है, ठीक है उतने हड़बड़ा के नहीं खेलती है, रुक के खेलती है। स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा और मेगा लेनिंग है, ठीक है। देखो शेफाली वर्मा को मैंने अपनी टीम में रखा है कि सेकेंड बैटिंग में, फर्स्ट बैटिंग में शायद मैं ड्रॉप कर दूं, इसके जगह जमीमा रोंगरिस में ले सकता हूं, बस यहां पे एक ऑप्शनल तौर पे। डिवाइन है, एलिसा पेरी है, एलिसा कैप्सी है, मेजिना कैप है, रिंकू वो आर सिंह है, उसके बाद शोभना आशा है और राधा यादव। देखो राधा यादव को तो खैर पक्का विकेट मिलेगा, आप चाहो तो ग्रैंड लीग में कैप्टन बना के जाना। अब बात करते हैं सोफिया मोलिनेक्स को मैं आज अपनी टीम में रखने वाला हूं, ठीक है। सोफिया मोलिनेक्स को फिलहाल मैं अपने टीम में नहीं लिया हूँ, लेकिन ये 7 और 4 वाले टीम में मैंने नहीं ले पाया है, बट मुझे आज लग रहा है फिर से एलिसा कैप्सी को ड्रॉप करके सोफिया मोलिनेक्स को ही रखना चाहिए। फर्स्ट बैटिंग में शायद मैं ना रखूं, लेकिन सोफिया मोलिनेक्स आज फिर से विकेट लेके जाएगी, क्योंकि देखो एक तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, ठीक है, ऊपर से अगर आप देखोगे सामने में राइट ही भरा पड़ा है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक राइट ही राइटी है, तो सोफिया मोलिनेक्स को पूरे 4 ओवर बॉलिंग मिलेगा और हमेशा विकेट लेके जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर जहां पे 7 और 1 और 10 वाला कॉम्बिनेशन खेल रहे हो वहां पे तो सोफिया मोलिनेक्स को भर लो, किसी भी प्लेयर को हटा के, शेफाली वर्मा को ही हटा के भर लो या किसी को भी हटा के आप अपनी टीम में रख लेना, ठीक है। चलो ये टीम है, अगर इनमें कोई चेंजेस हुआ सोफिया मोलिनेक्स को ले लेना, ठीक है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये टीम है, कैप्टन मेजिना क्या, वाइस कैप्टन डिवाइन है। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करना और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है भाई, क्लिक करके ज्वाइन हो जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लीग अलर्ट डाउनलोड कर लो, बहुत अच्छे एप्लीकेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर करना, मिलते हैं स्टूडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।